अभी सांस जो आ रही है नाक से नहीं मुंह से। ना मेरा एनर्जी नहीं है कि मैं अब और चढ़ाई करूं। आगे जा रहे हैं, मैं पीछे से सीधा जाकर कार में चली जाऊं। खुदा पहाड़ निकला जो। वेदर रिपोर्ट ने आज मतलब हम लोगों को सुबह से मतलब वेदर रिपोर्ट में हमने देखा कि आज सुबह से बारिश होने वाली है, लेकिन सारा दिन पूरा धूप ही धूप। तो वही हम लोग सुबह से बोलते आज तो बारिश से कहीं जाना नहीं, सभी लेट लेट। अभी जो टाइम है 4 बजे है और अभी हम लोग आए हैं, ये है डेंडोनंग रेंजेस और इसको बोलते हैं कोकोडा मेमोरियल। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, तो शायद बारिश भी हुई है यहाँ पर, पूरा ये भीगा भीगा सा है। किलोमीटर है पूरा आप है, अभी शायद 400 मीटर भी नहीं हुए, मैं पूरा थक गई, सांसें फूलने लगी अभी भी। मैं बोल रही नहीं जाऊंगी अभी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी तो फिर जीत बोल रहे कि मामा मैं भी नहीं जाऊंगा। अभी सांस फूल रही है, एकदम आप है 1.4 किलोमीटर और लंच करके ही हम लोग आए, और बहुत दिनों से ऐसे हाइकिंग किए नहीं तो कर भी नहीं पा रही हूँ। अभी बस इतना हुआ है, अभी सांस जो आ रही है नाक से नहीं मुंह से। जीत का देखिए बहुत एनर्जी है, मेरा तो एकदम सबसे तीनों में से मेरा एनर्जी सबसे डाउन। मैं मतलब बहुत स्लो स्लो चल रही हूँ और जीत और उनके पापा बहुत आगे जा रहे हैं, फिर वहाँ तले खड़े हो रहे हैं, मुझे मैं बहुत देर में आ रही हूँ और सांस पूरा फूल रहे हैं। अभी भी बाकी है शायद, अभी कितना होगा, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। हाउजेंड मीटर बाकी है, मुझे लगा कि और 400-500 मीटर बाकी है, इसीलिए यहाँ पर दिया है इमरजेंसी मार्कर, मेरे लिए दिए हुए हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए। एकदम गर्मी लग गई, मैंने जो अपना था वो स्वेटर वो खोल दिया और ऐसे कमर में बांध लिया, और मेरा जो बैग था उसको भी जीत के पापा ने बोला मुझे दे दो। एक तंबे ऐसा भी लग रहा है कि मैं, ये लोग आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे से सीधा जाकर कार में चली जाऊं, क्योंकि इतना इस टाइप के है ये पहाड़, मतलब एकदम आप सांस फूल रहे सच में। पता नहीं ऊपर क्या है, अगर कुछ अच्छा सा नहीं होगा ना तो फिर देखिए जीत के पापा को क्या खा कर आई है। दो लोग थक ही नहीं रहे, सिर्फ मैं ही थक रही हूँ, मैं भी वही खाना खा कर आई हूँ जो ये लोग खा के आए हैं, लेकिन मैं क्यों थक रही हूँ, मैं एकदम टायर्ड हो रही हूँ। तो मेरा बैग जीत के पापा कैरी किया है जी, इसमें वाटर बॉटल है और कुछ खाने की चीज़ है, तो थोड़ा बहुत भारी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी है, लेकिन मुझे मतलब मैं ही चल ही नहीं पा रही, और फिर ये वो बैग, तो जीत के पापा जीत बोल रहे कि हमें दे दीजिए, फिर भी आप आ जाइए, देखिए थैंक यू मेरे बैग को कैरी करने के लिए। लेकिन बैग में मेरा कुछ चीज़ नहीं है, उसमें खाने का चीज़ है और वाटर बोतल है, ठीक है, सभी का चीज़ है, सभी थोड़ा थोड़ा कर कैरी करना चाहिए, है ना जीत, थोड़ी देर बाद तुम भी ले लेना। इस टाइप के हम लोग देखे थे ना पेड़ हुआ पर जाइंट वैली में, पर्थ में, पूरा एकदम फॉरेस्ट ही था, इस टाइप होल हुए डेनमार्क में ना, जाइंट वैली जो मेरा ब्लॉग भी है। जब हम लोग हाइकिंग कर रहे थे तो पहले जो
500 मीटर था, मुझे बहुत ही मतलब वो टाइट फील हुआ। फिर मतलब हो गया ना एक एनर्जी लेवल मेरा एकदम हाई हो गया। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जीत के पापा यहाँ पर ओह आ रहे हैं, तो वो थक गए शायद। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे में स्ट्रांग है वो है सिर्फ और सिर्फ जीत, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है जीत। और अब मेरा मतलब एनर्जी लेवल बूस्ट हो गया है, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं आराम से अभी हाइकिंग कर सकती हूँ। पता नहीं अभी भी 4:30 बज रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी आ रहे हैं। 5:30 बजे तो अंधेरा हो जाएगा इस जंगल में, चारों ओर जंगल ही जंगल। तो हम जाएंगे फिर वहाँ पर क्या है पता नहीं, देखेंगे फिर रिटर्न आएंगे। ये सुबह सुबह अगर ये सब ट्रिप होता तो अच्छा होता, लेकिन वो इधर देख कर हम लोग नहीं आए सुबह, और अभी आए शाम को। अच्छा हुआ कि पानी की बोतल लाई हो, बहुत प्यास लगी है। मैं सोच रही थी कि कुछ भी नहीं लाऊंगी ऐसे जाऊंगी, लेकिन नहीं पता था कि इतना मतलब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर प्यास भी लगी। अब तो बहुत प्यास भी लग रही है, ऊपर चढ़ने के बाद ही पानी भी पीऊंगी, नहीं तो अभी पानी पीती हूँ तो फिर चल नहीं सकती, चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ऊपर जा चढ़ने के बाद ही पानी पीऊंगी। कितना है और 1000 नहीं 1000 तो वहाँ तो जीरो है वहाँ पर, मैं तो 1000 मीटर फिर भी देख मुझे दिखा रही है 1000 मीटर 1000 मीटर आरो की कोड़े 1000 मीटर एलम ओ तो मैं दूर से देख रही हूँ 1000 मीटर। जीत बोल रही मामा और 1000 मीटर है, मैं तो एकदम 1000 मीटर हमने चढ़ाई की अभी तक, हमारा 1000 मीटर हुआ मतलब 1 किलोमीटर हुआ, और अभी भी बाकी है ओ 500 मीटर, अभी भी 500 मीटर बाकी है ऊपर चढ़ने तक। डेंडनंग रेंजेस इसको बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे पहाड़ बहुत सारे हैं, तो उसमें से एक ये पहाड़ है जहाँ पर हम लोग अभी चढ़ाई कर रहे हैं। बहुत लोग आए हैं, बाप रे बाप बहुत ही लोग आए, बच्चे क्या बच्चे ही आए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे तो बहुत दौड़ दौड़ कर मतलब ऊपर आ रहे हैं, छोटे बच्चों का अलग ही एनर्जी सच में। बहुत लोग आए हैं, साइकिल भी आ रही है, कहाँ साइकिल, हाँ साइकिल से आना अच्छा है, साइकिल से भी लोग आए हैं। ये थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिए है जैसे यहाँ आने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो जीत लग गए हैं एक्सरसाइज करने। हो गया जीत, हो गया। रास्ते में ये पेड़ गिर गए हैं, ये शायद आज कल के अंदर ही हुए हैं, एकदम मतलब ताज़ा ताज़ा है मिट्टी। अभी इतना हवाएं चलती है मेलबोर्न में या विक्टोरिया में, बहुत हवा चलती है, विक्टोरिया में नहीं पर ऑस्ट्रेलिया में ही बहुत हवाएं बहुत चलती है, पर पेड़ पौधे बहुत है ना। और देखिए यहाँ से है व्यू, ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू देखेंगे शायद, है ना जीत, क्या हुआ। चलो जीत को भी बहुत गर्मी लग गई है, जीत ने भी अपना जैकेट का जो चेन वो खोल दिए। मेरा आवाज़ देखो जीत ऐसा, हाँ अच्छा, ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज भी है हाइकिंग, इसमें पूरा बॉडी की एक्सरसाइज फुल एक्सरसाइज हो जाती है ना जीत। टाइम हुआ है, हाँ 4:30 हो गए हैं, 4:26 हो गए हैं, और कितना है टाइम। वाह चलो चलो, वाह नहीं नहीं उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं जीत, उधर नहीं, आ जाओ आ जाओ। और 250 मीटर बाकी है और पहुंच जाएगी हम अपने डेस्टिनेशन। यहाँ से थोड़ा भी दिख रहे हैं नीचे जो सिटी है, थोड़ा दिख रहे हैं यहाँ से, नहीं तो जितने मतलब हम लोग अभी तक आए पूरा जंगल ही जंगल, और यहाँ से फॉरेस्ट सिटी, तो नीचे थोड़ा सिटी दिख रही है, अभी ऊपर से शायद सिटी ही दिखेंगे, चलते हैं देखते हैं। हमारे डेस्टिनेशन आ गए हैं, पता नहीं यहाँ पर बैठने की थोड़ा जगह है, देखते हैं क्या है। डेढ़ किलोमीटर की टफ हाइकिंग करने के बाद हमें ये मिला, ये जगह थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और बहुत लोग थोड़ा रेस्ट भी कर रहे हैं। और किधर जाना, शायद ऊपर है,
अभी तो कुछ ऐसा लुकटपन नहीं मिला कि देखने लायक, मतलब थोड़ा पानी पीते हैं थोड़ा अभी। हाँ पानी है अंदर बैग में, है ना पानी है बैग में? नहीं नहीं बैग में पानी है, नहीं नहीं बाबू बैग में पानी है। तो इतने दूर आने के बाद हमें सिर्फ ये मिला। अभिजीत के पापा बोल रहे कि अभी और 15 मिनट मतलब हाइकिंग करेंगे फिर देखेंगे, तो मुझे इतना मेरा एनर्जी नहीं है कि मैं अब और चढ़ाई करूँ। तो इसको यही बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चुका। इतनी दूर मतलब वो मतलब हाइकिंग करके सांस फूल रहे हैं और आने के बाद ये मिला, मुझे नहीं पता था कि ये मिला ना, मतलब क्या है यहाँ पर, क्या देखने को मिला मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। ढोंग तो जीत के पापा भी बोल रहे हैं कि जितने दिन हम लोग वॉक करके आए वो कार से भी आ सकते थे। तो ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इतनी जो मेहनत से हम लोग आए वो कार से भी आ सकते थे। बहुत ही खुशी हुई अभी जान के मुझे। और ये न्यूज़ आप मुझे अभी क्यों बता रहे हैं? ना बताते फिर भी अच्छा होता, अभी क्यों बताए मुझे? और इतने दूर आने के बाद हमें ये मिला, अभी भी क्या है ऊपर, है क्या, हम लोग आए क्यों? और भी ऊपर है वो पुल, देखो देखो देखो, और भी और भी ऊपर है। अभी पिकनिक करने का कोई मूड नहीं। देखो लेख है, लेख है, लेख है, देखो देखो ये लेख, इसके लिए हम लोग आए हैं लेख के लिए, पता नहीं। खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं है। जिस मतलब जिनको जिन एक्सरसाइज करना हो वो सिर्फ यहाँ आए बाबा ऐसे घूमने। हाँ वो भी ठीक है, हमारा बहुत सारा एक्सरसाइज हो गया है ना, बहुत सारा मतलब कैलोरीज भी बर्न हो गए, वो ठीक है। लेकिन मुझे नहीं मिला कुछ देखने लगी, यहाँ से तो सिटी भी नहीं दिख रहे हैं क्यों ये? बहुत सारा लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, पता नहीं क्यों 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 इतने लोग आए हैं, पता नहीं बहुत सारे लोग आए हैं। यही वो शख्स है जो हमें यहाँ पर लाए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर हमें क्यों लाए हैं? मतलब एक्सरसाइज करने के लिए लाए हैं तो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज बर्न हुए, तो अगर कुछ दिखाने के लिए आए थे तो वो थोड़ा रॉन्ग हो गए। तो आप यहाँ पर हमें क्या दिखाने लाए थे? शहर, टाउन। टाउन तो यहाँ से दिख ही नहीं रहे, वो टाउन वहाँ से दिख ही नहीं रहे। तो हमें नहीं, ये हमें पहाड़ और जंगल दिखाने के लिए लाए, तो उनके लिए थैंक यू। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ अलग था, हमें लगा कुछ उठने के बाद कुछ अलग ही दिखने को मिलेगा, लेकिन ठीक है, नेचर मतलब नेचर से मिले और नेचर से के साथ कुछ देर थे। प्योर ऑक्सीजन, हमें प्योर ऑक्सीजन मिला, प्योर ऑक्सीजन देने के लिए थैंक यू। हाँ हम लोग एक्सरसाइज भी कर लिए। चलो चलो जाओ, चलो चलो तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। नेचर में अगर कुछ देर रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1.5 किलोमीटर ऐसे हाइकिंग करने के बाद कुछ ऐसा कि क्या देखने को मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसे नेचर है, पहाड़ है यार, वैसे यही सब है। अगर आपको पहाड़ अच्छा लगता है, माउंटेन अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब पहाड़ी है, सिर्फ पहाड़, चारों ओर पहाड़, ऐसे ग्रीनरी। मैंने कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन किया था, मुझे लगा था कि ये मतलब इतनी ऊंचाई तक जाने के बाद क्या देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वही सिर्फ हाइकिंग करने के बाद वहाँ पर रेस्ट लेने की थोड़ा है ऐसे स्पेस, और ऊपर भी है, ऊपर भी शायद पता नहीं क्या होगा, लेकिन नहीं गए, इसी से खराब मेरी हालत खराब हो गई।
और इससे ऊपर नहीं जाएंगे, फिर जाने के बाद फिर वही ऐसा ही थोड़ा स्पेस हो गया रेस्ट करने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी रात भी होने वाली है, आपका पाँच बज चुके ना जीत, पाँच बज चुके हैं ना, हाँ पाँच बज चुके हैं, तो कुछ ही देर में फिर अंधेरा भी हो जाएगा और अब जाना भी बजे है। हाँ फोर फिफ्टी हाँ, तो पाँच बजने में 5 मिनट बाकी है ना, तो उसी को 5 ही बजने बोलते हैं। और अभी जाएंगे भी, 1.5 किलोमीटर जाना भी होगा, तो फिर 5:30 बज जाएंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा। नहीं पूरा जंगल है, एकदम टोटली जंगल है, पहाड़ है। तो आज के लिए बस यही, अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो रही है शाम और उठने का टाइम जितना प्रॉब्लम हुआ, हाँ तो नीचे आने का टाइम उतना इजी है, लेकिन बारिश हुई है, मेरा पावर नहीं है। हाँ जीत का पावर अभी थोड़ा थोड़ा मतलब कम हो रहे हैं, लेकिन जीत बहुत ही स्ट्रांग है, हम तीनों में से जीत ही स्ट्रांग है। तो यहाँ पर बारिश हुई होगी शायद, क्योंकि पूरा भीगा भीगा सा है, आज हुई हो या कल पता नहीं, क्योंकि इस जंगलों के बीच भी धूप भी तो नहीं आती है ना, तो थोड़ा स्लीपरी है, तो इसीलिए ऐसे सीढ़ी भी है, सीढ़ी से भी जा सकते हैं। अभी भी कुछ लोग जा रहे हैं ऊपर, वो लोग तो आते आते पूरा अंधेरा हो जाएगा एकदम पक्का, लेकिन जा रहे हैं शायद इवनिंग वॉक करने जा रहे हैं। एकदम स्लोप है, तो नीचे आने के बाद भी थोड़ा प्रेशर देना पड़ रहा है, मतलब ब्रेक लगाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा जीत का पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा है ना जीत, प्रेशर देना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे स्लिपरी है गिर जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा प्रेशर देना पड़ रहा है, थोड़ा सा पैरों में दर्द हो रहा है थोड़ा।